ऑल राइट, सो ऑल सेट टू लीव। बाइक्स दोनों रेडी हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा बैग राइनॉक्स का, जो कि एक वाटरप्रूफ बैग है, ये मैंने मेरी बाइक में लगाया है और भैया ने अपनी बाइक में लगाए हैं। दोनों सैडल बैग, 1 and 2, 1 टैंक बॉक्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी जस्ट टुक आवर वेरी फर्स्ट ब्रेक। एक्चुअली ये फर्स्ट ब्रेक नहीं है घर से निकलने के बाद, इससे पहले भी हम लोगों ने एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लिया था एक चाय मारने के लिए, बट अभी हम लोग रुके हैं आफ्टर 225 किलोमीटर्स। और नींद बहुत आ रही थी, मैंने घर से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, एक्चुअली जल्दी निकलना था। सो हम लोग अराउंड 3:30 घर से निकले थे और अभी राइड स्टार्ट हुई है, बहुत कुछ आना बाकी है। एंड गाइज, ये वाला जो ट्रिप है ये मोस्ट अवेटेड ट्रिप है हमारा। सो इसके बहुत सारे एपिसोड आएंगे, दिस इज़ आ फर्स्ट एपिसोड, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। सो मिरर्स पे अभी हम लोग एंटी फॉग स्प्रे अप्लाई कर रहे हैं ताकि इस पे फॉग ना जमे, और सेम हेलमेट पर भी करेंगे। चाय की जिसकी एमएस के भाई की तरह, और हम लोगों ने ले लिया एक और ब्रेक 300 किलोमीटर के बाद। ये वाला ब्रेक खाने के लिए लिया गया था, बट यहाँ पे खाना अवेलेबल नहीं है, मतलब अभी ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चाय मिली है। और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, सो हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया और चाय से ही काम चला रहे हैं। चाय बढ़िया है, चाय की चुस्की लेंगे। भैया वहाँ पीछे रेस्ट कर रहे हैं, मैं थोड़ा बाहर आया था ब्लॉग करने के लिए। सो हम लोग ले रहे हैं चाय के आनंद, आप लोग लो ब्लॉग के आनंद। पूरा ब्लॉग देखना गाइस, छोड़ना मत। कैसी लगी चाय? चाय बहुत बढ़िया थी, और बेस्ट कांच के कप में अच्छी चाय। सो कैसा फील हो रहा है, 300 किलोमीटर कवर कर लिया हम लोगों ने? अभी तक मेरे को फील नहीं हो रहा है यार, राइडिंग राइड पे आ गया। अभी जब थकान हो जाएगी ना, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तब आएगा मजा। 300 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया और 500 और भैया बोल रहे हैं, और दिल्ली वैली क्रॉस करने का सोच रहे हैं हम लोग। 600 किलोमीटर और है दिल्ली, आएगी 550 किलोमीटर और है दिल्ली। रेवाड़ी बाईपास लेंगे, तो वी आर नॉट एंटरिंग दिल्ली, मतलब हम लोग दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग रेवाड़ी बाईपास से ही सीधा निकल जाएंगे। और जो कि शायद पानीपत वाला रास्ता, पानीपत वाला जो रास्ता है वो पकड़ेंगे हम लोग। तो देखते हैं, चले जा रहे हैं दोनों लोग, विशाल सिंह एंड विशाल खत्री। देखो मंजिल कहाँ पहुँचा। तो मना कर दिया गया था भाई ने कि कुछ भी नहीं मिलेगा, बट रिक्वेस्ट करने के बाद ये प्लेन पराठा विद दही दिया है एक एक, इससे ही काम चलाओ, आगे कुछ और अच्छा खा लेंगे। सो गाइज, ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर्स कवर कर लिया और अब रुके हैं लंच के लिए। लंच जो कि बहुत नीडेड था, हालत एकदम खराब हो चुकी है, आवाज़ आप लोगों को पता नहीं कैसे आ रही होगी, ऐसी कुछ हमारी बाइक की कंडीशन है। सो फाइनली दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम लोग राजस्थान की गलियों में, नहीं राजस्थान के हाईवे पर। और रास्ते में एक अच्छा थोड़ा होटल दिखा मेवाड़ किंग करके, सो हम लोगों ने वहाँ पे स्टॉप लिया है लंच का, क्योंकि सुबह जो लिया था पराठा खाया था, उसके बाद सीधा हम लोग ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। और शायद अभी हम भीलवाड़ा इलाके में, आई डोंट नो, जो भी है ये एरिया होटल अच्छा है और हमें थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, पता नहीं क्यों एसी रूम में बिठाया है, शायद बाद में चार्जेस ना ले लें मेरे को भी। और जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ से हमारी बाइक्स दोनों दिख रही हैं, तो इसीलिए हम लोग पहले हम जहाँ बैठे थे वहाँ हमारी बाइक्स नहीं दिख रही थी, वो भैया ने जो इसके ओनर हैं या जो भी मैनेजर है होटल के, उन्होंने हमें अंदर भेजा और यहाँ से हमारी बाइक्स विजिबल है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस हालत बहुत टाइट है, इसलिए नहीं कि थक चुके हैं, अभी इतना ज़्यादा नहीं थके हैं, बॉडी इतनी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, बस रास्ते भर कभी कहीं बारिश है कहीं धूप है, धूल मिट्टी सब चीज़ सबको फेस करते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और अब दिल्ली दूर नहीं। यहाँ सामने हमारी दोनों बाइक्स पार्क में देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे हमारा खाना आने वाला है, और ये आगे है हमारा खाना, दाल तड़का मसाला भिंडी स्पेशल छाछ, ठंडी होगी कि नहीं, और चपाती। अब इसको दबाते हैं जल्दी से और निकलते हैं। और जयपुर आते आते ये तीसरी बार फ्यूल डलवाया जा रहा है, तीसरी बार फुल कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग करोगे एक साथ करोगे? एक साथ, एक साथ
एंड अनदर ब्रेक, आप लोग सोच रहे होंगे कि बस ब्रेक ब्रेक का वीडियो बना रहे हैं, बट रास्ते में जब भी रुक रहा हूँ सिर्फ फ़ोन उठा के वीडियो बना रहा हूँ, नो कैमरा, क्योंकि बारिश हो रही है तो मैंने एक ही बार कैमरा नहीं उठाया और एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी है। शाम के लगभग अभी बज रहे हैं 5:26, सो कुछ खाते हैं, रेड बुल मारेंगे और कुछ खाते हैं, चॉकलेट या कोई चिक्की विक्की, फिर आगे बढ़ेंगे। रेड बुल एंड स्निकर्स का कॉम्बिनेशन। Cheers. और अभी इस प्लेस पर लिया है एक ब्रेक, बहुत ही शानदार प्लेस है, फैमिली के लिए भी बहुत ही अच्छा है, सारे आउटलेट्स हैं यहाँ पे, एडिडास, नाइकी, जो भी है, और खाने के लिए भी बहुत ही अच्छी प्लेस है, मुझे तो बहुत मज़ा आया रुक के, प्रॉपर्टी इज़ टू गुड। बस यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, वॉशरूम यूज़ करना है और फिर फटाफट निकलेंगे। After 17 hours of ride, finally हम लोग होटल रूम में पहुंच चुके हैं somewhere in Rajasthan. So अब फटाफट पहले शावर लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे क्योंकि हालत बहुत खराब है, शावर लेने के पहले मैं बात नहीं कर पाऊंगा, तो शावर लेने के बाद फिर मिलते हैं। जब हम लोगों ने एंट्री किया था होटल रूम में तो कुछ ऐसा था, प्रॉपर बेड तो ठीक है लेकिन आप एक बार इस तरफ नज़र घुमाइए, ये देखो, ये हम लोगों का ऐसा होता है, जैसे ही हम लोग आए ये सारा सामान फैल चुका है, यहाँ पे मेरे शूज़, राइडिंग जैकेट, हेलमेट, बैग, ये यहाँ पे ये ही सीन होता है सारे राइडर्स के साथ। और ये जो बैग आप लोग देख रहे हैं एकदम फ्रेश बैग था, गंदा हो चुका है। ऑलराइट दोस्तों, तो शार ले लिया है और 17 आवर्स की आज राइड थी, पूरा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, अराउंड 9:30 हम लोग होटल रूम में पहुंचे। सो हम लोग निकले आज सुबह इंदौर से 4 बजे अराउंड, और हम लोगों ने हम लोगों ने एक गलत रूट पकड़ लिया, चित्तौड़गढ़ वाला। सो एक्चुअली हमें जाना था अजमेर और हम लोगों ने चित्तौड़गढ़ अंदर से ले लिया, सो उसकी वजह से 2 hours का डिफरेंस आ गया। सो जो भी था, आज की राइड बहुत बढ़िया थी, इतनी ज़्यादा टायरी भी नहीं है, बॉडी इतनी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, 4-5-6 ब्रेक थे, एक लंच ब्रेक्स तो आप लोगों ने देखे होंगे। ओवरऑल मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है, आगे बहुत सारे एपिसोड आएंगे और ये जो सीरीज है आप लोगों को नाम से पता चल ही जाएगा। सो दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज आप सारे वीडियोज देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं आगे, बाय बाय। सो दिस इज द लास्ट फ्यूल पंप, इसके बाद 365 किलोमीटर्स के बाद हम लोगों को फ्यूल पंप मिलेगा।